नीट एग्ज़ाम को लेकर जो बवाल चल रहा है उसमें कुछ ऐसे बच्चे जिनके नीट एग्ज़ाम में नंबर्स अच्छे आए थे, सबसे ज़्यादा डरे वही बच्चे हुए हैं। ऐसे ही एक बच्चा है कार्तिकेय जो लखनऊ में रहता है, इस बार नंबर भी अच्छे आए हैं। कार्तिकेय, इस बार नीट में कितने नंबर आए? 685 आउट ऑफ 720। कितने लंबे समय से आप तैयारी कर रहे थे नीट? ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, 11th 12th भी प्रिपेयर किया था बट डिडंट परफॉर्म वेल। अब इस साल 685 स्कोर हो रहा है। तो ये अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट? सेकेंड अटेम्प्ट है, राइट। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने नंबर आए? 501। तो आपने 501 से 685 तक आप पहुंच गए, यानी कि एक साल आपने जो मेहनत करी। अभी ये जो सारी कंट्रोवर्सी हुई है कि जांच हो रही है, कोर्ट में मामला चला गया, अब लग रहा है शायद री एग्जामिनेशन होगा, तो ऐसी कंडीशन में साइकोलॉजिकली कितना दबाव है? साइकोलॉजिकली तो मैं काफ़ी अभी डिस्टर्ब हो गया हूँ, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपेयर करता है तो एक डेट को लाइक लेके चलता है, एक डेट रहती है हमेशा किसी के दिमाग में कि ये डेट है उस दिन मुझे परफॉर्म करना, उसके लिए मुझे साल भर प्रिपेयर करना है। कोई उसके बाद क्या होने वाला है, उसका बाद का कभी कोई कोई बैकअप प्लान नहीं लेके चलता है, क्योंकि भरोसा रहता है इतना सरकार पे और इन सब चीज़ों पे, प्रशासन पे, कि ऐसी चीज़ें कभी होंगी नहीं, इसीलिए इंसान उसके बाद बैकअप प्लान कोई लेके नहीं चलता है ऐसी चीज़ों में। बट अब पेपर के एक महीने बाद इतना ज़्यादा शौक लग रहा है कि पेपर रीनीट होगा कि नहीं होगा, कितने लोग चाह रहे हैं रीनीट हो, कितने लोग चाह रहे हैं नहीं रीनीट हो, उसके बीच में हम जैसे लोग जिनका अभी इस साल भी सिलेक्शन हो रहा है सब कुछ होने के बाद भी, उसके चक्कर में हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। कार्तिकेय का 720 में 685 नंबर आ गया, रिजल्ट देख के तो आपको लगा होगा चलो साहब सरकारी कॉलेज मिल गया। बहुत खुश थे, पूरा परिवार खुश था, बधाइयों पे बधाई आ रही हैं। लेकिन ये सब देख कर घर से भी टेंशन है कि कहीं रीनीट सरकार कर ना दे दोबारा, फिर बच्चे हमारे इतना मार्क्स ला पाएंगे नहीं, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर हो नहीं पा रहा पढ़ने के लिए। जिस हिसाब से पढ़ता था कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा। आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं भी यही चाहता हूँ कि पेपर दोबारा ना हो, कि कई लोग मेहनत किए हैं इस साल, कई लोगों का अभी भी सिलेक्शन हो रहा है, कई लोग का नहीं हो, जैसे हर साल जितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है जितने लोगों का नहीं सिलेक्शन हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे भुगतना हम लोग को पड़ेगा अगर पेपर दोबारा हुआ तो। पेपर ना करा के भी लोगों को पकड़ने के काफ़ी सारे तरीके हैं, उनके थ्रू भी जाया जा सकता है, बट पेपर कराना इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन।